बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब व्यूअर्स, कैसे हैं आप? तबीयत से ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज था, तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूं ज़रूर। तो मेरी गुजारिश है उन वालदैन से जो बच्चों को जो है ना मोटरसाइकिल दे देते हैं, और अगर उनके वालदैन से कोई कह भी दे कि यार शिकायत कर दे कि आपका बच्चा जो है ना मोटरसाइकिल तेज़ चला रहा था, तो वो आगे से नोटिस नहीं लेते और जो है ना बच्चों को कुछ नहीं कहते, तो इसका बहुत ही अंजाम जो है ना बहुत ही ख़तरनाक निकलता है। तो मेरी गुजारिश है वालदैन से कि प्लीज़ पहले तो बच्चों को मोटरसाइकिल दें नहीं, अगर दें तो उनको पाबंद करें कि वो मोटरसाइकिल तेज़ नहीं चलाएंगे। तो इससे उनकी भी जान को ख़तरा होता है, और जो गरीब बड़ी परहेज से चलाता है मोटरसाइकिल और रोड पर जा रहा है, उसको ही जान को भी उनकी जान को भी ख़तरा होता है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि वालदैन से कि प्लीज़ जो है ना एहतियात करें। सो ये जो जान है ना अल्लाह पाक की अमानत है, अल्लाह पाक ने दिया है हमको, तो इसको अच्छे तरीके से जो है ना चलाएं ज़िंदगी को। ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, एक बार मिलती है, तो इसकी हिफाजत करनी चाहिए और इसको ऐसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। एक बहुत ही अफसोस की खबर है हमारे इलाके में, मैं सियाल शहर में रहता हूँ, तो हमारे साथ ही एक और बस्ती है, उसमें चाचा मलंग खान रहते हैं, उनके पोते जो है ना जा रहे थे एक डेरा इस्माइल खान में शादी पर शिरकत के लिए। तो नया 125 था शहर है जिसका मोटरसाइकिल नीचे हो फिर जुनून होता है सर पर सवार, तो उन्होंने तेज़ चलाया मोटरसाइकिल और उसका अंजाम बहुत ही बुरा निकला है। गोमल यूनिवर्सिटी से आगे ही उनका एक्सीडेंट हुआ है, एक तो मौके पर ही जो है ना लड़का जंबाक हो गया था, और दूसरा जो है ना कुछ दिनों अस्पताल एडमिट रहा है, तो वो भी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो भी जंबाक हो गया है। देखो यार कितना अफसोस की बात है, दो जाने कीमती जाने चली गई हैं, 20-20 साल उनकी उम्र थी, तो क्या गुजर रही होगी उन माँ बाप पर। बहुत ही यार मैं तो सोचता हूँ, सोच के भी बस जो है ना डर लगता है। तो ये उन माँ बाप को ही पता होगा कि किस तरह उन्होंने उनकी परवरिश की, पाला पोसा, और ये तेज़ रफ्तारी का अंजाम देखें, दो जाने निकल गई। प्लीज़ बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अपने वालदैन से कह रहा हूँ कि बच्चों को जो है ना मोटरसाइकिल पहले तो दें नहीं, छोटे बच्चों को अगर देते भी हैं तो आप ना जनाब उनको पाबंद करें कि तेज़ नहीं चलाएँगे। और ये जो आस पास के हमारे खैरख्वाह होते हैं बंदे जो बताते हैं कि आपका बेटा तेज़ चला रहा है मोटरसाइकिल, तो उनकी बात का ज़रूर नोटिस लें और पाबंद करें बच्चों को कि तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करें, हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। हेलमेट से बहुत ही इंसान हादसात में महफूज रह सकता है सर पर चोट लगने से। जो है ना ये ट्रैफिक वाले भाई जो है ना, हम तो कहते थे कि ऐसे ही चलान कर देते हैं, ऐसे नहीं करते, वो ठीक करते हैं, उनको सख्त से सख्त चलान करना चाहिए, हेलमेट जो इस्तेमाल नहीं करते, ठीक करते हैं वो, अच्छे इकदाम हैं उनके। खुदा रहा यार अब जो है ना क्या हासिल हुआ, दो जाने कीमती जाने चली गई हैं और माँ बाप जो है ना परेशान, क्या हो गया अचानक जो हाथों से चले गए हैं बच्चे। उनको बातें भी ऊपर से सुननी पड़ रही होंगी। बच्चों से भी गुजारिश है कि यार अपने माँ बाप का एहसास करो, क्यों उनको रोलते हो यार, ये ज़िंदगी इसलिए नहीं मिली गई, इसे तजर्बों मुख्तलिफ तजर्बों में गुजार दें। मेरी गुजारिश है, आपसे भी गुजारिश है, अमल करें, दूसरों तक शेयर करें, और हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, और तेज़ रफ्तारी से तो बहुत ही जो है ना परहेज़ करें। ये मेरा मैसेज था। प्लीज़ इस पर नाराज़ ना होइएगा, आपकी फ़ायदे की बात है। हमारे दाऊद बिलाग के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमारी वीडियो देखते रहें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें और आप तक पहुंचाते रहें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।